हेलो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पोखरा में। तो आज हमारी ये फर्स्ट इवनिंग है पोखरा में। तो अभी हम जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे हमारी स्टे थी और कैसा रहा हमारा जहाँ तक का सफर। तो बाकी वाले रूम भी ऊपर देख के आते हैं। कोई नहीं, रास्ते में ले लेंगे। मुझे अभी इन ड्राइव पोखरा में यही चली। अभी इन ड्राइव से बुक की अभी टिकट, तो जो अभी अपनी टैक्सी आ गई है। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं अपने, जो हमारी लोकेशन आ गए। तो ये ड्राइवर जी साहब हमें लेने के लिए आ गए। सर क्या नाम है सर आपका? ये कमल करके। कमल करके तो इस ऐप का इस्तेमाल करें। अगर लोकल वाले टैक्सी वाले ये वाले लोकल थोड़ा महंगा लेंगे, जो हमसे 500-600 बोल रहे थे, कोई 700 बाद में बोल रहे थे हम कम पैसे ले लेंगे। तो सर एक काम करना प्लीज़, रास्ते में ना SBI का कोई ATM आएगा। SBI नहीं, इधर का नहीं, वो SBI का चलेगा। पे थोड़ा पैसे पूसे नहीं पड़ेगा ना कटने कुटाने के, इंडियन वो उस पर इंडिया ATM पे। जैसे पोखरा बढ़िया है या काठमांडू बढ़िया है घूमने के लिए? तो पोखरा बढ़िया है। अच्छा, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे जो बढ़िया है देखने वाली? एक तो लेक हो गई, लेक साइड है, वो हिल पर कुंडी बुंदी पर शिव जी का मंदिर है। अच्छा, स्तूपा है, सारंगगढ़ है, देवी फॉल है, सेती रिवर है, म्यूजियम है, जो जो शिव जी भगवान का ऊपर मंदिर है। हाँ, उसको कैसे जाते हैं? ये पहाड़ के पीछे है, बाइक भी जाता है, टैक्सी भी जाता है, बस भी जाता है, बस भी जाता है, लोकल बस भी जाता है। ठीक है। तो अब बोल भाई, कोई वाटरफॉल वगैरह कहाँ पे पास में कोई है? वाटरफॉल, हाँ वाटरफॉल तो वो यहाँ से पार्क बहुत सुंदर है भैया। अच्छा जी, ये क्या है, पार्क के सामने? ये पार्क ही है। बढ़िया जगह है, ये शांत है थोड़ा, शांत है। हाँ, नाइस ग्रीनरी बहुत है इधर। तो वहाँ पे तो क्राउड ज़्यादा है। हाँ, क्राउड ज़्यादा है काठमांडू। काठमांडू में पानी पता कितना अच्छा है ऊपर। हाँ, बाद में पता चल जाता है पानी का। हाँ, अभी मिट्टी पड़ गई गाड़ी से ना थोड़ा, पर पानी हवा बहुत बढ़िया, पानी भी अच्छा है यहाँ का, हवा भी बहुत सही है। रोड पर है तो मैं रुक लूंगा, तेरे को पहले पता चल जाएगा इससे। अगर जंगल बड़े संगने ऊपर में, तो जानवर होते हैं बहुत, जानवर थोड़ा है इधर में, ये सिटी का जंगल है। हाँ, इधर शिकार करते हैं वो लोग? कोई नहीं करते। टेंट लगा सकते हैं अपना, कैंपिंग करनी हो किसने मन है बाहर, जैसे कैंपिंग करनी हो बाहर, हम टेंट लगाना हो तो है? हाँ, ये सकती है। कौन सी जगह है ये आपका? ये अभी वो देख ले कोई, वाओ लगा दे। तो जितनी मस्ती मार रही थी ना, मूड जितना अच्छा होना चाहिए स्पीकर उतना है नहीं। 3-4 बार लगा उस पे रोज की, एंटी एलर्जिक दवाई देनी चाहिए इनको, वो खाता रहे ना दो दो बार बार। क्या कह रहे हैं अंकल आप? SBI करना ही है लेफ्ट साइड पर, अभी देखता हूँ अंकल। नाइट लाइफ की साइड होती है बढ़िया, नाइट लाइफ रात को क्राउड है। नाइट लाइफ तो यही है, अभी आए किंग्स लॉन्ज है, बिजी भी है, यही है नाइट लाइफ। ये क्लब 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 है। ठीक है, होता होगा उसे, हम अपनी मर्जी से पता करते हैं। ऐसा ATM है तो उधर में 3-4 ATM है।
आज निकल जाएगी तेरे पास तो वही इंडिया का 6,000 निकलेगा, समझ रहा है? इंडिया का इधर का 16,000 निकाल, अभी सेंटर में भाई, यहाँ तो आना ही सेंटर में, अभी कोई रात को जहाँ ही आना है यहाँ राइट में दिखा रहा है, राइट में काठमांडू महंगा है। इसमें जहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें महंगी है कंपैरिजन? उखरा कैसे महंगा, मतलब कैसा इसका है? पूरी एरिया है ना। अच्छा, पूरी एरिया इसलिए बस। अभी जहाँ पर पहुँचे ही हैं तो बारिश एकदम जोर से बड़ी तेज से शुरू हो गई। अभी हमारा कॉटेज है। हेलो, बुकिंग की है सर विनीत, विनीत के नाम से। देखिए तो देखिए ये कॉटेज है जहाँ पे विनीत 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 कुमार जब ठाकुर के नाम से होगी। ये देखिए बहुत बढ़िया है, ग्रीनरी वगैरह बहुत है। तो बारिश नेपाल में सबसे ज़्यादा बारिश इसी जगह पे होती है, पोखरा में होती है। बाकी वाले रूम भी ऊपर देख के आते हैं। वो पीछे से भी काठमांडू से भी काफ़ी क्राउड में से आ रहे हैं, तो मुझे खुद ही जानबूझ के हमने इसको बुक किया था। जो थोड़ी सी लोकेशन साइड सेंटर से थोड़ी सी साइड में है, लेकिन बहुत बढ़िया जगह है, जहाँ पे शांति है और कोई डिस्टरबेंस नहीं है, जहाँ पे आसपास पीस है बिल्कुल।